आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। योगी कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 13 प्रस्ताव पास हुए। आबकारी विभाग के 2 प्रस्ताव मंजूर किए गए। बता दें कि कैबिनेट बैठक की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने जानकारी दी, बताया कि बार लाइसेंस के नियम बदले जाएंगे। अजय मिश्रा यूपी के नए महाधिवक्ता होंगे। वकील अजय मिश्रा के नाम पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसी के साथ छोटे एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। 5 छोटे हवाई अड्डों पर भी काम किया जाएगा। कि छोटे हवाई अड्डों के विकास के लिए संचालन एवं प्रबंधन उत्तर प्रदेश में विकसित किए जा रहे हैं। छोटे हवाई अड्डों अलीगढ़, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट एवं म्योरपुर, सोनभद्र। हवाई अड्डों के विकास संचालन एवं प्रबंधन हेतु भारतीय एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए O&M एग्रीमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट एग्रीमेंट पर राज्य सरकार की सहमति प्रदान कर दी गई। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और विधायक जहूराबाद ओम प्रकाश राजभर ने वीडियो जारी कर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के गांवों में भ्रमण और बैठक के दौरान गांव में 20 राजपूत समाज के लड़कों ने मुझे जान से मारने की कोशिश की। आइए आपको सुनाते हैं ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा। आज मैं अपने साथियों के साथ अपने विधानसभा जहूराबाद गाजीपुर में गांव सभा गोसलपुर पदरिया में एक दरवाजा करने के लिए मृतक परिवार था, उसके शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए मैं उसके दरवाजे पर गया, बैठा बातचीत कर ही रहा था कि 10-12 लोग लाठी डंडे से लैस होकर के गाली गुप्ता देते हुए मारपीट करने के लिए तैयार हो गए। साथ में हमारे 50 लोग साथ में थे, जिन लोगों के बीच बचाव से सुरक्षाकर्मी के सहयोग से हम थोड़ी दूर बचा करके निकाले हैं। अभी भी वो सब लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं। मैंने ADG लाइन आर्डर को, कंट्रोल रूम, उत्तर प्रदेश पुलिस को, SP को, SO को, सबको बता चुका हूँ इस घटना की जानकारी। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बात का ढिढोरा पीट रहे हैं कि लाइन आर्डर ठीक है, जब विधायक के साथ इस तरह का सलूक हो रहा है, जनता के बीच में विधायक नहीं जाएगा तो विधायक कहाँ जाएगा, किसी के दुख में सुख में नहीं जाएगा। इस तरह की हरकत गोसलपुर गांव, पहदरिया थाना, करीमुद्दीनपुर जिला गाजीपुर, विधानसभा 377 जहूराबाद गाजीपुर की घटना है, और जिसको लेकर के जिस तरह का लोगों में लाठी डंडा लेकर के मारपीट करने पर आमादा हैं, अगर हम कंट्रोल नहीं किए होते तो आज यहाँ बवाल काफ़ी बढ़ जाता। आज मैं अपने साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दायर की गई। इस याचिका में ताजमहल के बंद 20 कमरों को खोलने का निर्देश देने की मांग की गई है। आज याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, जिसे इलाहाबाद में वकीलों की हड़ताल के बाद फिलहाल टाल दिया गया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद में वकीलों की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से इसे टाल दिया गया। रुक करते अगली खबर की तरफ। देवरिया में पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ते दामों के खिलाफ सपाइयों ने सुभाष चौक पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने के दौरान सपाइयों ने गैस सिलेंडर, पेट्रोल रखकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नारेबाजी करने वाले सपाइयों ने बढ़ते दामों को जल्द से जल्द कम करने की बात कही है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है और सरकार पूंजीपतियों का भी भला कर रही है। समाजवादी पार्टी जनपद देवरिया के द्वारा जो सरकार के द्वारा लगातार महंगाई बढ़ाई जा रही है, चाहे वो डीजल के दामों में हो, पेट्रोल के दामों में हो, अभी कुछ दिन पहले रसोई गैस के सिलेंडर में भारी वृद्धि की गई 50 रुपये की, ये तमाम मूल्यों में वृद्धि करके सरकार आम लोगों के साथ खुली तौर पे लूटपाट कर रही है। उसके विरोध में, सरकार के नीतियों के विरोध में,
हम सरकार से मांग कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप महंगाई पे लगाम लगाइए, आप दाम बाधो नीट के तहत सारे चीजों के मूल्यों पर एक एक दाम निर्धारित करिए और खुली जो लूटपाट हो रही है उसको बंद किया जाए। सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए धरना पर हम लोग बैठे हैं और ये सरकार जो जो बात कही है, जनता के बीच में जो वादा किए उससे विपरीत काम कर रही है। महंगाई कम करने की बात करके महंगाई चरम सीमा पर है, गैस पेट्रोल डीजल के सारे दाम, सारे चीज़ों का दाम बढ़ गया है, खाद्य तेल का दाम बढ़ गया है, महंगाई हर चीज़ पर बढ़ा है। तो इसलिए हम लोग धरना बैठे हैं कि महंगाई कम किया जाए और भारतीय जनता पार्टी जो वादा किया था वो पूरा करे। जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, डीजल का दाम रोज़ बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम रोज़ बढ़ रहा है, 350 का गैस सिलेंडर 1000 पार कर गया, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। माननीय नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ नौजवानों को हर साल रोज़गार दूंगा, इन्होंने पूरे भारत को रोज़गार मुक्त बना दिया। और योगी जी ने सरकार बनते 2017 में बोला था कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सारी सड़कें गड्ढा मुक्त कर दूंगा, इन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढे में कर दिया और थाना एक न्याय का मंदिर है उसे दलाली का अड्डा बना दिया और लगातार समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी और सरकार ये उत्पीड़न नहीं रोकी तो हम लोग पुलिस से, प्रशासन से और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, ये हम लोग सरकार को बताना चाहते हैं। खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता रवि रावत जुड़ चुके हैं देवरिया से। रवि, लगातार महंगाई बढ़ रही है और अब सपा ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिया, क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि महंगाई को लेकर देवरिया जनपद में कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है। वहीं आज देवरिया में सुभाष चौक पर पेट्रोल डीजल रसोईया गैस की बढ़ोतरी के लिए सपाइयों ने धरना प्रदर्शन किया और धरना प्रदर्शन के दौरान गैस सिलेंडर और पेट्रोल रखकर अपनी नाराजगी जताई और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। जी, तो अब सपा का क्या कुछ कहना है? नारेबाजी तो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कब तक प्रदर्शन चलता रहेगा? सरकार सपा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए बताया कि सरकार में केवल लोगों का छल किया जा रहा है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की समस्याएं बढ़ती जा रही है, आम जनमानस में जो नया जीवन यापन करने के लिए लोगों की समस्या कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। रवि रावत जुड़े थे इस खबर पर हमारे साथ देवरिया से। रायबरेली शहर के एक स्कूल में होमवर्क ना करने पर छात्र की टीचर ने बेरहमी से पिटाई कर दी। यही नहीं, पिटाई करने के साथ साथ उसका गला भी दबाया गया, जिसकी वजह से उसकी गले में चोट आई। वहीं मामला परिजनों तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। मां की तहरीर पर पुलिस ने टीचर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। क्या नाम है? कहाँ पढ़ते हो? मैं पढ़ता हूँ लखनऊ पब्लिक स्कूल में, अरिया रायपुर। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? मैं कुछ दिनों के लिए लखनऊ गया हुआ था, ईद भी थी और मेरी तबीयत भी खराब थी। मुझे एक बीमारी है, स्ट्रोक हो गया, उसका इलाज मेरे से होता है, तो मैं लखनऊ गया हुआ था। उसके बाद मैं आया जब स्कूल, आज आया, मेरा काम नहीं पूरा था स्कूल का, तो मैं आया तो थर्ड पीरियड में और सारे सब्जेक्ट के टीचर ने कॉपीज दे दी कि जाके काम कर लेना। तो अजय प्रताप सिंह सर से उन्होंने आए, मेरी कॉपी चेक करी, काम नहीं पूरा था, तो मेरा आगे गला पकड़ लिया और कस के नाखून मेरे अंदर तक के यहाँ पे डाल दिया। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता अजय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं रायबरेली से। अजय, बच्चे को बेरहमी से मारने का जो ये मामला सामने आया है, क्या है पूरी जानकारी और इस मामले में परिवारजनों का क्या कहना है? परिवारजनों का कहना है कि जो है होमवर्क ना पूरा होने के कारण बच्चे की पिटाई की गई है, जो कि अजय नाम का जो शिक्षक है उन्होंने मारा है। और सरफराज कक्षा सात का छात्र है और जो कि 12 साल का है और काम ना पूरा करने की वजह से मारा पिटा गया है और परिजनों की तहरीर पे शायद मुकदमा भी लग गया है। जी अजय, इस मामले में स्कूल प्रशासन और टीचर का क्या कहना है?
टीचर साफ साफ कर रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, फिलहाल हम इतना नहीं मारे। फिलहाल की टीचर की तरफ से भी एक शिकायती पत्र कोतवाली पुलिस को दिया गया है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। जी, तो क्या शिकायत परिजनों की तरफ से लिखी गई है? जी, परिजनों की तरफ से शिकायत दिया गया है जिस पर मुकदमा भी लिखा गया है, और उसके बाद शिक्षक जो हैं जिन्होंने बच्चे को, जो बच्चा आरोप लगा रहा है कि मारा पीटा गया है शिक्षक द्वारा, उन्होंने भी तहरीर दी है, शिकायती पत्र दिया है कोतवाली पुलिस को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे संवाददाता अजय प्रताप सिंह जुड़े थे। पिटाई करी गई है और इस मामले की जानकारी जब परिवार को हुई तो हड़कंप मच गया। परिवार ने बच्चे के टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बच्चे के गले पे भी चोट आई है, गला पकड़ के भी पीटा गया है, जिसकी वजह से परिवार काफी नाराज भी हुआ। और जब टीचर से इस बारे में पूछताछ की गई तो टीचर इससे मुकर गए और उन्होंने इस मामले में संलिप्तता होने से इनकार कर दिया है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो रायबरेली से ये खबर सामने आ रही है, टीचर के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। सातवीं कक्षा के छात्र को पीटने का ये मामला सामने आया है। फरुखाबाद में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ महाअभियान जारी है। बता दें कि 18वें दिन ये अभियान जारी है और एक्शन लिया जा रहा है। नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस लाइन गेट से शुरू हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लिए गए एक्शन से अतिक्रमणकारी पस्त नजर आए। अभियान के तहत चिन्हित हुए भवनों के स्वामी खुद अतिक्रमण हटाते दिखे। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। वहीं कब्जाधारियों के खिलाफ चला ये अभियान पीडी महिला डिग्री कॉलेज गेट तक चला। पुलिस लाइन गेट से लेके पीडी महिला डिग्री कॉलेज तक हम आ चुके हैं। अभी थोड़ा आगे और जाना है तो वहाँ तक अतिक्रमण होगा। मैडम, बीच में कोई समस्या हुई हो? कोई समस्या नहीं। क्या बीजेपी नेता की बिल्डिंग तोड़ी है? यहाँ पर हम राजस्व रिकॉर्ड के हिसाब से चल रहे हैं, व्यक्ति के चेहरे के हिसाब से नहीं चल रहे। मैम, पुलिस लाइन गेट के सामने कुछ दुकानें हैं, उस पर क्या वो होगा? वहाँ पर पहुँचेंगे, उन पर। गाजियाबाद में महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि मौसी से आरोपी पति के अवैध संबंध के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, जहां मामले में पुलिस ने मृतका के पति और उसकी मुंह बोली मौसी को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने उनके कब्जे से लूटे गए 49,000 कैश, ज्वेलरी और अन्य सामान भी बरामद किया है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के DLF का मामला बताया जा रहा है। थाना क्षेत्र साहिबाबाद के DLF कॉलोनी में घटना हुई थी, जिसमें एक महिला को मार करके ज्वेलरी और पैसे की लूट हुई थी। उसके लिए पुलिस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीमें गठित की गई थी और थाना साहिबाबाद क्षेत्र की पुलिस और पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय की टीम ने मिल करके आज उसका सफल अनावरण किया है, जिसमें दो अभियुक्त, जिसमें जो मृतका है उसके पति की मुंह बोली मौसी, जिसका नाम शांति देवी है, वो प्लस मृतका का पति, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और लूटी हुई ज्वेलरी का कुछ पार्ट और जो पैसा जो लूटा गया था उसको बरामद किया गया है, और जिस ऑडियो वायर से जो गला कसा गया था वो बरामद हुआ है, जिससे अलमारी तोड़ी गई थी वो बरामद हुआ है। इस तरह से इस पूरी संपूर्ण घटना का सफल अनावरण किया गया। बहराइच में SSP के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है और शातिर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सफलता मिली है। दरगाह पुलिस ने संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के दौरान 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 153.15 किलोग्राम गांजा और 8 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल सहित और भी सामान बरामद किया है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों में पुलिस अधीक्षक बहराइच महोदय के नेतृत्व में आज दरगाह पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसमें 153 किलो गांजे की बरामदगी हुई है। उसके साथ ही साथ उसमें 4 अदद मोटरसाइकिलें रिकवर हुई हैं, 3 इलेक्ट्रॉनिक धर्म काटा रिकवर हुआ है, साथ ही साथ 8 अदद मोबाइल फ़ोन भी रिकवर हुए हैं।
ये समस्त अपराधी गांजे का कारोबार करते थे अगल बगल की जनपदों में, खासकर श्रावस्ती और बलरामपुर तक इनका नेटवर्क फैला हुआ था। ये सारे लोग पकड़े गए हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और इनके लिंक्स को भी तलाशा जा रहा है। साथ ही साथ अपराध से जो इन्होंने संपत्ति अर्जित की होगी उसका भी आकलन किया जाएगा, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कराई जाएगी और 14 अगस्त में उनकी संपत्ति का जब्तीकरण भी किया जाएगा। बिजनौर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग के 5 शातिर चोरों को पकड़ा है। पकड़े गए शातिरों के पास से भिन्न भिन्न जनपदों और राज्यों से चोरी किए गए 24 बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर इस घटना का खुलासा किया और शातिर चोरों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। कोतवाली बिजनौर में मंडावर रोड पर मालन नदी के किनारे से एसपीसीटी क्षेत्राधिकारी के निर्देशन में इंस्पेक्टर कोतवाली ने अपनी टीम के साथ 5 वाहन चोरों को पकड़ा है और उनके कब्जे से बारी बारी से अलग अलग जगहों से 24 बाइक बरामद किया है। इन 24 बाइक में से 17 स्प्लेंडर हैं, शेष पल्सर, अपाचे, डिस्कवर, पैशन आदि मोटरसाइकिलें हैं। ये गैंग दिल्ली, बिजनौर, उत्तराखंड एवं अन्य जनपदों में ऑपरेट करता है। कुछ गाड़ियां कनेक्ट हो गई हैं। इनके कब्जे से तमंचे एवं छुरी भी बरामद हुई है। इसमें से 5 में से एक बाबूलाल नाम का अभियुक्त गोंडा जनपद का है। इसका एक साथी और था, उसकी तलाश की जा रही है। गोंडा का यह HS है। करीब 1.5 दर्जन मुकदमे कायम है। सभी अभियुक्त शातिर किस्म के हैं, गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान के डॉक्टरों ने आज दिल्ली की रहने वाली मरीज का सफल ऑपरेशन किया। लगभग 4.5 किलो की ट्यूमर निकालने का काम ऑपरेशन के जरिए किया गया। अस्पताल की गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर रजनी ने बताया कि ऑपरेशन जटिल था, अगर ऑपरेशन होने में कुछ देर होती तो मरीज की जान भी जा सकती थी। हो नहीं पा रहा था इसलिए यहाँ बुलाया। फिर संजय गांधी कहाँ दिल्ली? हाँ, तो वहाँ क्या बोले थे डॉक्टर? वहाँ बस टेस्ट की बोलते थे, कभी ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ। 2 साल से उसके खा रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा था। एक्चुअली ये पेशेंट थी गीता, 45 ईयर्स ओल्ड, और इसको बहुत स्वेलिंग थी एब्डोमेन में। अबाउट 28 वीक्स था यूट्रस। तो हमने जब इसका अल्ट्रासाउंड कराया, ये पेशेंट दिल्ली में 2 साल से धक्के खा रही थी, सारे इसके टेस्ट हो चुके थे, बीच में ब्लीडिंग होती थी तो ब्लड भी लगा था, उसको थायराइड और हाई ब्लड प्रेशर भी है। फिर उसके बाद जब ये हमारे पास आई तो हमने इसका अल्ट्रासाउंड देखा और उसमें बहुत बड़े बड़े फाइब्रॉइड थे। पेशेंट परेशान थी, इसीलिए हमने अब उसका ऑपरेशन किया है और हिस्टेरेक्टमी, पूरी बच्चादानी, यूट्रस और दोनों ओवरीज निकाल दी। क्या कितनी बड़ी है जो निकाली? 28 वीक्स की है और वज़न तकरीबन 4-4.5 किलो है। थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि ब्लीडिंग का चांस रहता है, यूरेटर और ब्लैडर जो है वो डैमेज होने का चांस रहता है, लेकिन हमने काफ़ी अच्छे प्रिकॉशन लिए और ऑपरेशन ठीक है। खबर फरुखाबाद से है जहां पीयूष हत्याकांड में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 72 घंटे में खुलासा हुआ और SOG टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में 4 अभियुक्तों को फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट के बाहर 2 थाना कमालगंज क्षेत्र के बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया। थाना अमृतपुर के अंतर्गत जो अमृतपुर गाँव कस्बा है वहाँ पर दिनांक 7 मई को सुबह 7:30 से 8 के बीच में एक घटना हुई थी, जिसके अंतर्गत पीयूष अवस्थी, उनको गोली लगी थी और उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। इसी के संबंध में थाना हाजा के मुकदमा नंबर 53/22, धारा 147, 148, 149, 452, 506, 302, 307, 364, 34 IPC का लिखा गया था। इसमें जो प्रतिवादी गण हैं और इसमें 11 लोगों को नामजद किया गया था और 2-3 अज्ञात लोगों को रखा गया था। इसमें जो मुख्य प्रतिवादी गण, जो कि CCTV फुटेज से और अन्य एविडेंसेस के आधार पर जो पकड़े गए हैं, उनका नाम रामबाबू, अरुण उर्फ नन्ने, विपिन अवस्थी, विनोद उर्फ भूरा, अंकित पुत्र रामबाबू, अनमोल, प्रीति उर्फ सुमन पत्नी, सीमा पत्नी रामबाबू निवासी, इनको गिरफ्तार किया गया है।
बिजनौर में तेंदुए का आतंक दिखाई दे रहा है। मंडावली क्षेत्र में घर के अंदर तेंदुए के घुस आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। जंगल से निकलकर अचानक एक घर में तेंदुए के आने से परिवार के लोगों में और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और तेंदुए के रेस्क्यू में लग गई। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार वन विभाग से शिकायतों के बाद भी गुलदार यहां दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि ग्रामीणों की जान को खतरा बना है। हमने देखा नहीं, देखो जी बाद में देखा, डंडो डंडो लेकर हमने लगा गेट खुला था, लगा बड़ा का सर हाँ, और बड़े बाबा आ जाए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से की गई सीलिंग की कार्यवाही के बाद भी मकान स्वामी बिल्डिंग में अवैध निर्माण करा रहे हैं। बता दें कि इस मामले में विकास प्राधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने पाकबड़ा में समाथल में अवैध बिल्डिंग के निर्माण कार्य को रुकवाया था। वहीं अब अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया और बिल्डिंग को सील कर दिया गया, लेकिन मकान मालिक बाज नहीं आ रहे हैं और दूसरी ओर से अवैध निर्माण जारी है। खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने खुद पर हमला किए जाने का आरोप लगाया है। ओम प्रकाश राजभर ने 10 से 12 लोगों द्वारा खुद पर हमले का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लाठी डंडों से लैस होकर 10 से 12 लोगों ने उन्हें घेर लिया और अभद्रता करते हुए मारपीट करने की कोशिश की। साथ ही कहा कि उनके समर्थकों और उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें सुरक्षित बचाया है। बता दें कि मामला करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र गौशलपुर पहदरिया गांव का बताया जा रहा है। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।